सेप्टिक टैंक कितनी बड़ी बनानी चाहिए? अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं तो आज की वीडियो में आपके सेप्टिक टैंक से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कम जगह में पानी की टंकी और सेप्टिक टैंक दोनों एक साथ अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं। उसी वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि भाई हमारे घर में 5 लोग रहते हैं तो हमें सेप्टिक टैंक कितनी बड़ी बनानी चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट था कि हमारे घर में 10 लोग रहते हैं तो हमें सेप्टिक टैंक कितनी बड़ी बनानी चाहिए, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसी कमेंट के रिकॉर्डिंग आज की वीडियो में बना रहा हूँ। चाहे आपके घर में 5 लोग रहते हो, 10 लोग रहते हो, 20 लोग रहते हो या 50 लोग रहते हो, प्रति व्यक्ति के अनुसार सेप्टिक टैंक कितनी बड़ी होनी चाहिए आज की वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर घर निर्माण से जुड़े वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप ऐसे वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो की आखिरी में मैं आपको सेफ्टी टैंक से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों के लिए कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितनी डेप्थ होनी चाहिए सेफ्टी टैंक की। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं जिनके घर में 5 लोग रहते हैं, यानी जो 5 लोगों के परिवार है जिनके घर में, उन्हें कितने साइज़ का सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले लंबाई की बात करें तो लंबाई 5 फीट से लेकर और 5.5 फीट तक होनी चाहिए। 5 लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो लंबाई होनी चाहिए 5 से 5.5 फीट तक, चौड़ाई होनी चाहिए 2.5 फीट से और 3 फीट तक, और उसकी डेप्थ होनी चाहिए, जो उसकी हाइट होनी चाहिए वे होनी चाहिए 3.25 फीट से लेकर और 4 फीट तक। दोस्तों, ये जो साइज़ है ये 5 लोग जिनके घर में रहते हैं उनके लिए ये सफिशेंट है, इस हिसाब से बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जिसके घर में 10 लोग रहते हैं, जो 10 लोगों के परिवार हैं उनके लिए बात करें तो वहाँ पर जो सेफ्टी टैंक बनेगा उसका साइज़ रहेगा, उसकी लंबाई रहेगा 6.5 फीट से 7 फीट तक, और उसका जो चौड़ाई है वे रहेगा 2.5 फीट से 3 फीट तक, और उसकी जो डेप्थ है उसका जो हाइट रहेगा वे रहेगा 3.5 फीट से लेकर और 7 फीट तक उसका हाइट रहेगा 10 लोगों के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं जिनके घर में 15 लोग हैं, जो 15 लोग रहते हैं वहाँ पर अगर सेफ्टी टैंक बनानी हो तो वे किस साइज़ का होगा। दोस्तों, 15 लोगों के लिए बात करें तो लंबाई जो रहेगा वे 6.5 फीट से लेकर और 7 फीट तक रहेगा, चौड़ाई की बात करूं तो 2.5 फीट से लेकर और 3 फीट तक रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 लोगों के लिए भी लंबाई और चौड़ाई ये सेम रहेगा, लेकिन 10 लोगों के लिए जो हाइट रहेगा वे 7 फीट तक रहेगा मैक्सिमम, और 15 लोगों के लिए ये 12 फीट तक हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको बताया हूँ, 10 लोगों के लिए भी और जो लंबाई और चौड़ाई है सेम रहेगा, लेकिन 15 लोगों के लिए यहाँ पे हाइट बढ़ जाएगा। जैसे 10 लोगों के लिए मैंने बताया 6.5 फीट से 7 फीट तक लंबाई, और चौड़ाई 2.5 से 3 फीट तक, और उसकी हाइट जो है 3.5 फीट से 7 फीट तक रहेगा। वहीं 15 लोगों की बात करें तो चौड़ाई से और लंबाई सेम रहेगा, मतलब लंबाई 6.5 फीट से 7 फीट तक रहेगा, चौड़ाई 2.5 फीट से 3 फीट तक रहेगा, और इसकी जो डेप्थ रहेगा, जो इसका हाइट रहेगा 15 लोगों के लिए, ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर 4 फीट से, मतलब 4.5 फीट से लेकर और 12 फीट तक इसकी हाइट रहेगा 15 लोगों के लिए। दोस्तों, 20 लोगों के लिए बात करें, जिनके घर में 20 लोग रहते हैं, बड़ा परिवार है, अगर वहाँ पर 20 लोग रहते हैं और वहाँ पर सेफ्टी टैंक की साइज़ की बात करें तो वहाँ की जो लंबाई रहेगी 7.5 फीट से लेकर 8 फीट तक उसकी लंबाई रहेगी, चौड़ाई की बात करें तो 3.5 फीट से लेकर और 4 फीट तक चौड़ाई रहेगा 20 लोगों के लिए, और इसकी जो हाइट रहेगा वे रहेगा 5 फीट से लेकर और 16 फीट तक इसका हाइट रहेगा। सिंपल सी बात है, छोटी बनाएंगे तो जल्दी भरेगा, और वहीं पर अगर आपके पास जगह है, आप बड़ा बनाते हैं, तो वे
ज़्यादा दिन तक चलेगा और आपको परेशानी नहीं होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं जिनके घर में 50 लोग रहते हैं या जो इकट्ठे अगर कहीं पे लोग 50 लोग रहते हैं वहाँ पर अगर सेफ्टी टैंक बनानी है तो उसकी जो लंबाई रहेगी 14 फीट से 15 फीट तक रहेगी और चौड़ाई की बात करें तो 4.5 फीट से लेकर और 5 फीट तक चौड़ाई रहेगा। और दोस्तों इसकी डेप्थ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, हाइट की बात करें इसकी 50 लोगों की, हाइट रहेगा 50 लोगों के लिए। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ, 5 लोगों के लिए 5 से 5.5 फीट तक लंबाई रहेगा, चौड़ाई 2.5 से 3 फीट और इसका हाइट जो रहेगा 3.25 से 4 फीट। 10 लोगों के लिए रहेगा 6.5 से 7 फीट तक लंबाई रहेगा और 2.75 से 3 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी और 3.5 से 7 फीट तक जो है हाइट रहेगा 10 लोगों के लिए। 15 लोगों की बात करें तो 6.5 से 7 फीट चौड़ाई रहेगा, 2.75 से 3 फीट इसकी 6.5 से 7 फीट इसकी लंबाई रहेगा 15 लोगों के लिए और 2.75 से 3 फीट तक चौड़ाई रहेगा और 4.5 फीट से लेकर और 12 फीट तक इसकी हाइट रहेगी 15 लोगों के लिए। 20 लोगों के लिए 7.5 से 8 फीट लंबाई रहेगा और 3.5 से 4 फीट तक चौड़ाई रहेगा और 15 से 16 फीट तक हाइट रहेगा 20 लोगों के लिए। 50 लोगों के लिए 14 से 15 फीट तक चौड़ाई लंबाई रहेगा और 4.5 से 5 फीट तक चौड़ाई रहेगा और 36 से 40 फीट तक जो है इसकी हाइट रहेगा। तो दोस्तों ये तो पर पर्सन के हिसाब से, जैसे कि कितने लोग हैं और उसके हिसाब से कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। और दोस्तों या तो आप RCC का वॉल बनाएं या कोशिश करें कि 9 इंच का बनाएं, या अगर आप 9 इंच का जो ब्रिक वर्क नहीं करवाते हैं, चुनाई नहीं करवाते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि 4 इंच का भी अगर करवा रहे हैं तो उसके बगल में जो जगह बचता है जहाँ पे हम मिट्टी को भरते हैं वहाँ पर क्या करें आप कंक्रीट जो है कंक्रीट बनाकर जो एग्रीगेट का मसाला बनाकर और फिर उसको फिल करें और जो कि हमारे जो वॉल होगा 4 इंच का वो ऊपर तक आनी चाहिए कंक्रीट की। या तो सबसे बेस्ट तरीका है आप RCC का बनवा लें, अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक तो कोई दिक्कत ना हो, लीकेज वगैरह का कोई दिक्कत ना हो, तो आप RCC का वॉल बना सकते हैं। वे भी नहीं कर सकते तो आप 9 इंच का दीवार बनवाएं और अच्छे से प्लास्टर करवा कर उसमें घोल लगाएं जिससे कि लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 9 इंच का भी नहीं बनवाएंगे तो आप 4 इंच का अगर चुनाई करवाते हैं जो ब्रिक वर्क है वह 4 इंच का करवाएंगे तो आप जो उसके बगल से जिधर से हम मिट्टी वैक फिलिंग करेंगे वहाँ पर आपको कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों सेफ्टी टैंक से रिलेटेड ये कुछ जो पॉइंट्स था जो रह गया था पिछले वीडियो में और मुझे कमेंट आए थे उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं आपको बना के और आज की वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो में आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा है, वीडियो में कुछ रह गया है या आपको कुछ और दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू। जय हिंद।